वेलकम टू असम यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ टू में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है सोशल बिहेवियर सोशल बिहेवियर क्या होता है सोशल बिहेवियर रिफर्स टू द वे इन विच पीपल एक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ सोशल सेटिंग अब सोशल बिहेवियर हमारे पास वो तरीका होता है जब पीपल क्या होता है एक तरीके से एक्ट करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं विद अदर्स इन सोशल सेटिंग दिस कैन इंक्लूड एक्शन सच इज़ कम्युनिकेशन भी इसमें आता है इस एक्शन में कॉपरेशन भी आता है एंड कंपटीशन भी आता है कॉपरेशन मीन एक दूसरे के साथ हेल्प करना कंपटीशन एक दूसरे के साथ मुकाबला करना तो ये सब क्या होता है ये सोशल सेटिंग में और सोशल बिहेवियर में आते हैं एज वेल एज़ मोर कम्प्लैक्स बिहेवियर सच एज लीडरशिप एंड इंस्परेशन ये सब क्या होता है ये सोशल बिहेवियर में आते हैं अगर हम इटेमोलॉजी की बात करें तो सोशल सोशल बिहेवियर ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सोशस का मतलब होता है सोशियस विच मीनस कंपेनियन फ्रेंड्स आर सोलमेट ये सब क्या होता है ये इसका सोशस uh, का मीनिंग होता है आर एसोसिएट एंड ग्रीक वर्ल्ड बिहेवियर का मतलब होता है विच मीन मैनर ऑफ एक्टिंग तो ये इटमोलोजी अगर हम मीनिंग की बात करें सोशल बिहेवियर रिपर्स टू द एक्शन एंड इंट्रैक्शन दैट पीपल इंगेज इन व्हेन दे आर इन अ प्रेजेंस ऑफ अदर्स अब ये क्या होता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं मख्त कस्म के एक्शन के ठीक है एक दूसरे के साथ मतलब आ, इंगेज करते हैं एक दूसरे के साथ ये मुख्तलिफ़ कस्म के कम्युनिकेशन करते हैं तो इस, इसका मीनिंग हो गया अगर हम डेफिनेशन की बात करें सोशल बिहेवियर इज़ द वे एंड विच पीपल बिहेव एक्ट एंड इंटरेक्ट इन अ सोशल सेटिंग दिस कैन इन कम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस होते हैं फ्रॉम सिंपल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जिस तरह कम्युनिकेशन होता है और गेस्टर्स टू कम्प्लेक्स इंटरेक्शन जिस तरह कंपटीशन uh, होता है लीडरशिप होता है इंस्पिरेशन होता है दैट इन्वॉल्व कॉपरेशन, कंपटीशन एंड लीडरशिप ये सब इन्वॉल्व होता है सिंपल एक्सचेंज मतलब वर्ड एक्सचेंज से लेकर ये कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ये सब क्या होते हैं सोशल बिहेवियर में आते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल वन टू पीपल मीट इन एंगेज इन ए कन्वर्सेशन आर डिस्प्लेइंग सोशल बिहेवियर लेट्स है दो पीपल एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ये क्या होता है एक दूसरे के साथ मतलब कन्वर्सेशन करते हैं पार एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ मतलब जो इंगेज करने के लिए ये सब क्या करते हैं ये कन्वर्सेशन करते हैं दे आर सोशल तो ये सोशल बिहेवियर शो करता है ये पीपल इफ दे स्माइल एंड नोट एट ईच अदर तो इसका मतलब ये होता है जब ये मतलब एक दूसरे के सामने मतलब हांसते हैं और इस तरह हड को नोट करते हैं दे आर डिस्प्लेंग नॉन वर्बल साइंस अगर ये इस्तेमाल करें देट इंडिकेट फ्रेंडलेंडलिसनेस और फ्रेंडलीनेस एंड एंगेजमेंट इन द कन्वर्सेशंस मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन वर्बल्स और uh, ये साइंस जब ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंगेज करते हैं एक दूसरे के कन्वर्सेशन को इन अदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल बिहेवियर एज वेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट अ टास्क जब एक ग्रुप क्या करते हैं एक कम, आ, टास्क को कम्प्लीट करते हैं दे मस्ट कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट दियर एफर्ट्स एंड पॉसिबली डिलीगेट थान ऑर्डर टू अचीव दियर गोल तो एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे कोऑर्डिनेशन करेंगे इस एपर्ट्स की कि हमने ये काम किया तो ये सब क्या होता है ये सोशल बिहेवियर में आते हैं तो और भी मुख्तु के एग्जाम्पल है लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय